लखनऊ बलरामपुर समेत 22 ट्रेनें 24 जनवरी तक रद्द, 9 किलोमीटर रेल खंड का होगा दोहरीकरण। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के उत्तरतिया, परिवहन नगर, आलमनगर और आलमनगर स्टेशन से ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन तक 9 किलोमीटर रेल खंड का दोहरीकरण है। इससे लखनऊ, शाहजहांपुर, बलरामपुर समेत 22 ट्रेनें अलग अलग तारीखों में रद्द होंगी। लखनऊ में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण, 2534 नए मामले मिले, शहर के 3 इलाके सबसे ज्यादा संवेदनशील। लखनऊ में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 2534 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की है। अलीगंज, चिनहट और आलमबाग में सबसे अधिक संक्रमित लोग हैं। इन तीनों इलाकों में मिलाकर 3000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। लखनऊ और प्रयागराज के बीच जल्द शुरू होगी हवाई सेवा, यूपी में सस्ता हो सकता है हवाई सफर। प्रयागराज से लखनऊ के बीच वीवीआईपी आवागमन को देखते हुए एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक में पेश हुए प्रस्ताव पर अमल करते हुए अब प्रयागराज से लखनऊ की उड़ान सेवा शुरू करने की तैयारी है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एविएशन टर्मिनल फ्यूल पर वैट की दर घटाने का फैसला किया है। लखनऊ कैंट सीट को लेकर बीजेपी में घमासान, कई बड़े नेता लगा रहे दांव। लखनऊ कैंट सीट अचानक एक बहुप्रतिष्ठित विधानसभा क्षेत्र में तब्दील हो गई है, जिसमें कई भाजपा नेता इसके लिए दांव लगा रहे हैं, भले ही इस सीट पर पार्टी का एक मौजूदा विधायक है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने 2017 में सीट जीती थी, अब अपने बेटे मयंक जोशी को मैदान में उतारना चाहती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा, बोले बीजेपी ने किसानों पर अत्याचार किया, उन पर 3 काले कानून थोपे। लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने किसानों को लेकर बात की। अखिलेश बोले सरकार ने किसानों पर काले कानून थोपे, किसान शहीद हुए, उन पर झूठे मुकदमे लगे, किसानों के हित में सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया।